उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बहराइच में ग्राम पंचायत रजुआपुर में सहायक खंड विकास अधिकारी पायकपुर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजवापुर द्वारा कोटे को संबंधित खुले में बैठक की गई, जिसमें ग्रामवासियों ने बताया कि कोटे की बैठक पक्षपातपूर्ण रही, जिसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। जो आपके ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की खुली बैठक हुई है जी, इस संबंध में जो है ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं कि जो बैठक हुई है वो एक पक्षीय हुई है, पक्षपातपूर्ण है, पुनः बैठक कराई जाए। इस संबंध में आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हो बताओ। जी मैं कहना चाहता हूँ ये बात कि गिनती हो रही थी, मैं सेवा में था, जनता के मैं सेवा में लगा हुआ था। गिनती होते ही समय लोगों ने ताड़ी मार दिया कि गिनती हो चुकी, और मुझे ये नहीं पता हुआ कि कौन किसके तरह गिनती हुई। अच्छा, तो जो है आपको क्या लग रहा है कि जो आपके ग्राम पंचायत में बैठक हुई, ये बैठक सही हुई या गलत हुई, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे हिसाब से तो गलत हुई है, बैठक गलत हुई है। हाँ। यानी आपका भी मानना कि बैठक गलत हुई है जी। तो अब क्या चाहते हो आप बताइए, अब इसको निर्धारण किया जाए कि फिर से बैठक हो, फिर से बैठक होना चाहिए, फिर से बैठक होना। अच्छा, बैठक में ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपके ग्राम पंचायत में लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ADO पंचायत और सेक्रेटरी आए थे बैठक में जी जी, तो इनके नेतृत्व में जो बैठक की गई उसे आरोप लगाया पक्षपातपूर्ण है, तो आप किस अधिकारी के समक्ष अगर बैठक हो तो जो है आपको मंजूर होगी, कुछ ये भी बताइए। तो उच्च सक्षम अधिकारी होएगा जो मंजूर होगी। कौन अधिकारी, अधिकारी का कोई पद? ADO पंचायत से ऊंचा अधिकारी हो, अधिकारी कोई हो तो उनके सामने बैठक हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी आधार कार्ड द्वारा हो। आधार कार्ड के आधार से होने, आधार कार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए दोबारा बैठक होनी चाहिए, बैठिए, धन्यवाद। एक तरफ निर्णय कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी ये लोग हमारे यहाँ भाई ने पैसा ले लिया है, कहे थे कि ये उधर ये हरा है, खर 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 बोलो बेमानी कराया कौन कराया बेमानी? ADO पंचायत इधर बोलो।